लोगों को साईं संध्या की बहुत बहुत बधाई हो, और अभी मकर संक्रांति आने वाली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। श्याम बाबा कृष्ण का अवतार है, जिसने श्याम बाबा को हारे का सहारा है, एक बार से जरूर पूछ के देखे या मान के देखे, मेरा विश्वास है कि आपकी मनोच्छा जरूर पूरी करेगा। और खाटू नरेश की जय। कृष्ण श्याम का ही अवतार है, जितनी कृष्ण में उतनी श्याम बाबा में है, क्योंकि हमारे श्याम बाबा के कुल का देवता, हम श्याम बाबा को मानते हैं, कृष्ण भी श्याम का ही अवतार है। देखिएगा यहाँ पर साईं संध्या मनाई जा रही है आज, और इसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला, सोमदत्त जी ने बुलाया, और यहाँ के सारे जो मैनेजिंग कमेटी है, ये नौजवान है, ये बुलाने आए थे, तो मैं जरूर दर्शन करने के लिए आया हूँ, और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा सब। आपको श्याम बाबा में क्या आस्था है? श्याम बाबा जानते हो आप? बिल्कुल परम आस्था है सबके साथ। हम पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, धार्मिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। पॉलिटिक्स का तो मतलब भगवान के दरबार में तो आने के बाद पॉलिटिक्स। साईं भगवान, हम साईं बाबा को एक संत रूप में मानते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, संत स्वरूप में हम साईं बाबा को मानते हैं कि वो एक सूफी संत रहे, जिनमें हिंदुओं की भी आस्था है, सभी धर्मों की आस्था है, और उनके दरबार में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, भक्तों का भाव जुड़ा हुआ है बस। आप कृष्ण भगवान का भजन ज़्यादा गाते हो जी, कृष्ण भगवान में क्या आस्था आपकी? भगवान कृष्ण हमारे आराध्य ठाकुर हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अगर जगत गुरु की उपाधि भगवान कृष्ण को मिली है, और भगवान कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है, और वो हमारे आराध्य इष्ट हैं, इसीलिए हम हमने अपना जीवन भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर दिया है। थैंक यू। कि मैं भजन सुनती हूँ और मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। साईं बाबा के बारे में आपको क्या लगता है? साईं और शाम और सब चीज़ एक ही है, सबका मालिक एक। थैंक यू। देखिए ये एक धार्मिक मंच है, तो केवल धार्मिक बात करूंगी। हमारे साईनाथ जी हैं, दो बातें सिखाते हैं, श्रद्धा और सबुरी, यानी आस्था और सब्र कीजिए, धैर्य कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प,